हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। आज हम आप लोगों को दिखाने लेके आ रहे हैं एक ऐसे जगह पे जो असम स्टेट के अंदर ही है और ऐसा एक चीज जो कि कॉमन है बट ये यूनिक है, इसीलिए क्योंकि ये एक पेड़ है जो आप लोगों ने पहले कहीं या कभी भी नहीं देखे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी ने पहले अगर देखे होंगे तो एशिया के अंदर। दिखाने का मकसद ये है जो पर्टिकुलर पेड़ है ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्री है, लगभग 250 साल पुराना। ये पेड़ का खासियत ये है कि ये ग्रेजुअली एक्सपांड होते होते 4 वीगस ऑफ लैंड कवर किए हैं जो कि अबाउट 57,000 स्क्वायर फीट एरिया है। आप लोगों को डिटेल में बताएंगे इसी के बारे में, क्या है ये पेड़, क्यों ये यूनिक है, ये पेड़ का एडवांटेजेस क्या है, एवरीथिंग डिटेल्स हम शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में आखिर तक, आप लोग खुश हो जाओगे बिल्कुल और इसी के बारे में डिटेल्स नॉलेज गेन कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जगह है हम लोग अभी पहुंचे हैं, ये जगह का नाम है जालीखाता। बोहरी घाट में हम आप लोगों को लेके गए थे। बोहरी घाट से यहाँ आने के लिए आपको वाया सॉल्टेबरी आना पड़ेगा। नेशनल हाईवे 31 बाईपास अगर आप लोग आते हो तो वहाँ पाताशार कुछ होके आपको ये जगह पहुंचना पड़ेगा। सरथेबारी से 10 किलोमीटर के दूरी पर ही है जालीखाता जो एरिया है। पहले ये बरपेटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते थे और अभी जो है फिलहाल अभी ये बजाली डिस्ट्रिक्ट बने हैं और बजाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, हम लोग अंदर जाएंगे। ये एक्चुअली एक शिव मंदिर है और ये शिव मंदिर भी आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोगों को ये बढ़िया मौका मिल गया कि 10 किलोमीटर दूरी पर ये है सरथेबारी से, तो यहाँ आप लोगों को लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते रहेंगे। चलो, ये जो शिव मंदिर है, शिवरात्रि वगैरह बहुत होता है। अभी श्रावण महीना अभी जस्ट खत्म ही हुआ है। श्रावण महीना में बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ आते हैं, पूरा रश होता है यहाँ। वेलकम टू श्री श्री कोलीबारी शिवोत्थान की ये जो व्रत वृक्ष है, एशिया के दो करीब सरकार की तरफ से घोषित होने वाले हैं। सबसे बड़ा वृक्ष कोलकाता में है और श्री श्री कोलीबारी शिवोत्थान जिसमें हम लोग दावेदार हैं, एशिया सेकंड लार्जेस्ट द ग्रेट बैनियन ट्री। ये जो बनियन ट्री है, बरगद के पेड़ बोलते हैं हिंदी में, इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस वेंगालेंसिस। तो इसका उपयोग क्या क्या है हम बताते हैं। प्राचीन युग से लोग इसका इस्तेमाल करते आए हुए हैं। डायबिटीज को दूर करने में मददगार होते हैं, डिप्रेशन में सहायक होता है, डायरिया में लाभदायक होता है, जड़ों के दर्द में मददगार, दांत और मसूड़ों को रखे स्वस्थ। प्राचीन युग से इसका इतने सारे गुणों के कारण राजा महाराजा ऋषि मुनि ने इसका इस्तेमाल करते आए हैं और इसको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए बने रहिएगा वीडियो में, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे ये वीडियो के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेक्रेटरी साहब हमारे पास है और ये मेंबर्स लोग जो यंग जनरेशन पूरा यहाँ देखने को मिला है और हमारे पास आज एक एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हमको मिला है, तो हम उनसे भी बात करवाएंगे। आप लोगों को वीडियो में बने रहिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये पेड़ को दिखा देंगे चारों तरफ से और उसके बाद अंदर जाएंगे। इसके अंदर में कुछ तो बीमारी अभी लगे थे तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन करके रखे हैं ये लोगों को, मैं मेरे तरफ से सच में थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसा आज लोग नहीं करते हैं, बिकॉज पीपल आर वेरी मच सेल्फिश। तो सेल्फलेसली ये लोग अभी यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे तरफ से हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं आप लोगों को कि आगे बढ़िए और बहुत बढ़िया एक ये जो स्पॉट है इसको डेवलप करिए आप लोग। हम आगे बढ़ते हैं और पेड़ के तरफ जानेंगे पूरा डिटेल्स। हमको जो एक्सपर्ट है जिन्होंने अभी इतने सालों से ऐसा एनवायरमेंट के साथ जुड़े रहे हैं, विजय भुया जी हमारे पास मौजूद है, तो वो हमको पूरा एक्सप्लेन करेगा ये पेड़ के बारे में, इसका खासियत क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, वो सभी चीजें बताएगा। ये बहुत ही दुर्लभ पेड़, एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट। इस पेड़ पे दरअसल 2020 में इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंगस, तो यहाँ पे बहुत सारे सूखे हुए पत्ते, एक अलग सा माहौल पे था। तो मुझे लगा
कि मुझे तुरंत यहाँ आना बहुत जरूरी हो गया और संरक्षण के लिए मैंने प्रभु के कृपा से इस बहुत ही बड़ा वट वृक्ष को संरक्षण करने की कोशिश किया। ये पेड़ अभी बीमार लगे थे जिसके वजह से विजय जी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या क्या बीमार लगे थे, इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है ये पेड़ को बचाने के लिए, तो हम वो थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए थे, हमने जब आए हैं तो देखे यहाँ पे फंगस भिकुर कहते हैं असमीस में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे था, जिसके कारण ये पेड़ की जो खाल है ये टर्माइट्स ने भी खाया और अलग अलग कीड़े मकोड़े ने खाए, एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त किए। जब हम आए थे तो बहुत ज्यादा सफेद डॉट्स था जिसे लाइकेंस कहते हैं, और ये पेड़ के लिए हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। अपनी नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से रुकने की बहुत कोशिश किया और बहुत सफल भी हुए हैं। ये ऊपर आप देख रहे ग्रीन जो एल्गी है वो काफी ब्लैकिश हो गया था, 2020 21 और 22 में हमने उसको मैकेनिकल क्लीनिंग की और बहुत ज्यादा एल्गी को हमने हटाया और अभी इस समय बिल्कुल सुरक्षित है। इसको हम लोकली धूप गॉस कहते हैं, धूप का पेड़ कहते हैं। बहुत सारे टहनियां जो प्रॉप रूट्स है अपने पेड़ को सुरक्षा देने के लिए इन्होंने अपने आप पिलर्स तैयार किए हैं, छोटे छोटे पिलर्स हैं, काफी मोटे पिलर्स भी है, ये सब एक पेड़ की है, एक पेड़ से आके ब्रांचेस निकले हैं, उसके बाद मोटे हो गए हैं, खुद अपना एक बड़ा पेड़ हो गए हैं, ये अपने में ही सक्षम है, एक पेड़ हो गए। क्या आप देख रहे हैं कि एक ही पेड़ में कितने सारे पेड़ हैं, तो उस पेड़ में आप देख रहे होंगे इसके आगे हम इन्हें एक नामकरण किए हैं, इनके नाम रखे हैं द न्यू जेनरेशन। ये जो छोटे छोटे जो प्रॉप रूट्स आ रहे हैं, एरियल रूट्स आ रहे हैं, इससे जो छोटे छोटे है ये हमारे भविष्य है, नए बच्चे हैं, इन्हें पल पल के ये बड़े होंगे, आने वाले समय पे ये काफी बड़े हो जाएंगे और इस पेड़ को सुरक्षा देने के लिए सक्षम होगा। ये देखिए हम यहाँ पहुंचने के बाद देखा है, मैं हर जगह देखता हूँ कि बुजुर्ग लोग ही ये सब चीजें को, जो स्पिरिचुअल एक सेंटर वगैरह होते हैं तो बुजुर्ग लोग ही संभालते हैं, और यहाँ आके मैं देखा हूँ पूरा यंग जनरेशन जो कमिंग जनरेशन है तो दे आर वेरी मच एक्टिव एंड ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ, तो ये चीज़ें मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बेसिक डिटेल्स जो है हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिए हैं, और इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए ये पेड़ के बारे में तो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो एशिया सेकंड लार्जेस्ट बनियन ट्री करके, और यहाँ आप लोग आइए फैमिली के साथ दोस्तों के साथ, और वो सर्च करने के बाद आप लोगों को डिटेल ये जगह के बारे में पता चल जाएगा, फिर आप लोग यहाँ आ सकते हो। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं तो आपको आने के बाद यहाँ बहुत मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आज, और मिलते हैं जल्दी ही दूसरा एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, बाय।